दोनों में एक होप थी कि सदाको जल्दी ठीक हो जाएगी, रिकवर करेगी, और हॉस्पिटल में बहुत सारी क्रेन्स हो गई थी तो शी वॉज वेरी फ्रेल एंड वीक. सदाको वुड सिट अप फॉर आवर्स टूगेदर एंड फोल्ड क्रेन. शी क्रॉस्ड 500 एंड हर कॉन्फिडेंस ग्रू विद एवरी क्रेन फोल्डेड. सदाको कम्प्लीटेड 644 क्रेन बिफोर शी डाइड. हर फ्रेंड मेड द रेस्ट. शी डाइड ऑन मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 25, 1955 सराउंडेड बाई हर फैमिली. सदाको ने कम से कम भी 500 क्रेन क्रॉस कर ली थी, लेकिन उसकी होप थी कि मैं 1000 क्रेन भी कर लूँगी. जब मरने से पहले उसने सिर्फ 644 क्रेन क्रॉस करी और बाकी की उसके फ्रेंड ने बनाई. हर मदर गेव सम सदाको पेपर क्रेन टू हर फ्रेंड एट शो एंड पुट द रेस्ट ऑफ देम इन द कॉफिन. जो भी बची हुई ट्रेन थी उस क्रेन थी उसकी मम्मी ने उसके कॉफिन पर रख दी. द फॉलोइंग ईयर ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट रॉबर्ट जंग ट्रेवल एट हिरोशिमा वेयर ही हर्ड द स्टोरी ऑफ यंग सदाको एंड हर 1000 क्रेन. ही वॉज सो मूव्ड बाय द टेल ऑफ हर डिटर्मिनेशन दैट ही होल्ड अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ हर स्टोरी टू द वर्ल्ड इन अ बुक. जब उसी टाइम के दौरान एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट आता है वहाँ पर, रॉबर्ट जंग, वो सदाको की ये स्टोरी सुनता है और फिर वो एक चीज़ मॉडिफाई करने की कोशिश करता है. लाइट इन द रूम्स इन द ईयर सीन्स वेरिएशन ऑफ सदाको स्टोरी हैव अपियर्ड 100 ऑफ द अदर पब्लिकेशन मोस्ट नोबेलिटी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड सदाको एंड द 1000 क्रेन. फिर उसने क्या करा, एक स्टोरी लिखी जिसमें उसने ये लिखा कि एक बच्चे की बुक है जिसको हम सदाको स्टोरी कहेंगे, जिसने क्या करा था, 1000 पेपर क्रेन बनाई थी, रिटन इन 1977 बाय एन अमेरिकन ऑथर एलनोर कोर. उसकी स्टोरी लिखी गई 1977 में, एलनोर कोर ने लिखी. द स्टोरी हैज़ बीन यूज्ड इन पीस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम अराउंड द वर्ल्ड. इस स्टोरी को उसने इसलिए यूज़ करा चारों तरफ शांति स्थापित करने के लिए, मतलब वर्ल्ड पीस प्रोग्राम के लिए उसने यूज़ करा. सदाको डिटर्मिनेशन इंस्पायर्ड द चिल्ड्रन पीस मोनूमेंट इन हिरोशिमा. उन्होंने सदाको के डिटर्मिनेशन से इंस्पायर होकर एक मोनूमेंट बनाया हिरोशिमा में. आफ्टर सदाको डेथ हर क्लासमेट क्रिएटेड अ मोनूमेंट टू मोरन फॉर द ऑल द चिल्ड्रन हु डाइड इन द एटॉमिक बॉम्ब विच स्पोर्ट ऑफ देन 3100 स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड. द स्टूडेंट क्रिएटेड द 9 meter हाई ब्रोंज स्टैचू टॉप्ड विद अ फिगर ऑफ अ गर्ल होल्डिंग अ फोल्डेड क्रेन बैन एट द पेडेस्टल. देयर इज इंस्पिरेशन, दिस इज आवर क्राई, दिस इज आवर प्रेयर फॉर बिल्डिंग पीस इन दिस वर्ल्ड. फिर जो सदाको का फ्रेंड था उसने वहाँ पर एक मोनोमेंट बनाया जिसने कि उसमें एक लड़की के हाथ में क्रेन पकड़े हुए एक स्टैचू बनाया. आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं ये स्टैचू. और उसके साइड में उसने इसमें कम से कम भी 31 स्कूल के स्टूडेंट इसको देखने आए, उन्होंने सपोर्ट करा. और क्या करा कि उसने स्टैचू के चारों तरफ लिखा कि ये हमारी क्राई है, ये हमारी प्रेयर है, इसे हम बिल्डिंग पीस वर्ल्ड के नाम से बना रहे हैं. ये उन सभी के लिए है जिन बच्चों ने हिरोशिमा बॉम्ब अटैक में अपनी जान दे दी थी. ईच ईयर चिल्ड्रन एंड अडल्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल टू द चिल्ड्रंस पीस मोन्यूमेंट ब्रिंगिंग देयर ओन फोल्डेड पेपर क्रेन एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ सदाको डिटर्मिनेशन एंड होप. इट इज़ ऑल्सो सिम्बल ऑफ देयर डिज़ायर एंड पीस एंड फॉर द अबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. हर साल यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से बच्चे आते हैं, अपनी अपनी क्रेन को फोल्ड करके लाते हैं और वहाँ पर रखते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को सिंबल मानते हैं डिज़ायर और पीस का. सदाको पेपर क्रेन सेवरे अ सिंबल ऑफ ग्रोइंग मूवमेंट ऑफ पीस ऑन अर्थ. शी हैज़ बिकेम एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ फ्री साइलेंस एंड पीस. जो सदाको की क्रेन का फोल्ड करने का सिंबल था वो इस पूरे अर्थ पर शांति लाता है. और ये जो सिंबल है ये एन इंटरनेशनल री साइलेंस यानी कि शांति और पीस का सिंबल बन चुका है. दिस इज़ ऑल अबाउट द